जी मैडम जी, नूरजहान जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट, कोई शक नहीं उन्हां दी वड्या होण च। ओह नूरजहान एक ऐसा नाम है कि उन्होंने म्यूजिक दी हर सिर्फ गाई। मैं तो यह भी गल कहांगा कि अगर वो क्लासिकल गाँवी नूरजहान तो खंघन ना दी किसी को, उन्हों का आवाज इस काबिल सी कि क्लासिकल भी गाँवी तो किसी को घट ना गाँवी, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने आवाज़ ऐसा दिता सी कि गीत भी गज़ल भी पंजाबी भी ठुमरी भी म्यूजिक दी हर सिर्फ गा जाती सी। उन्होंने बड़ी वड्डी खूबी सी, अल्लाह ने कुदरत ने उन्होंने बड़ा नवाजा और बड़ा अच्छा आवाज़ दिता सी, जैसा कि आवाज़ देने का हक हों। तो ऐसे इंसान भी बहुत वड्डे लोग सन मेरे मन, तो मेरे नाल उन्होंने काफ़ी मरासम सन। मैनू एक वाक्य याद आ गया उन्होंने, कि उन्होंने मैं घर बुलाया तो उन्हां दी एक असगर साहब की बेटी सी, उन्होंने बुला के कहते हैं कि तुसी खान साहब है, मैं तुहानू बुलाया ते इहनू तुसी गाना दसो। तो मैं दो तीन महीने च सुनना वांगी, मैं क्या दो तीन महीने च तो मैडम आवाज़ ही नहीं सीधा होंदा तुसी वैसे आ जाना सुनने वास्ते। वो फिर जनाब मैं उस लड़की उहदा नाम सोनिया है, उन्होंने फिर दसिया, फिर मैडम जी सुनना आए उन्होंने नाल उन्हों का उस्ताद, उन्होंने मैं ऐसा दसिया उन्होंने चपताल जमाल कौंस और गज़ल गीत सुनाए, तो मैडम जी बड़ी खुश हुई। मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब इंदी, खान साहब आप तो जादूगर जादूगर हैं, इतने दो तीन महीने में तो आवाज़ नहीं सीधा होता। मैं क्या मैडम जी तुहाडा हुक्म से मैं वो हुक्म की तमील की है, बड़ा खुश हो के गई। तो मेरे ऐसे भी तलकात सन उन्होंने, तो किस्सा मुख्तसर है कि मैडम नूरजहान भी दुनिया में एक एक लेडी है जिनका अभी तक नेमल बदल नहीं है।